Assalamualaikum viewers, welcome back to channel. मैं हूं अली बलोच और आप देख रहे हैं ट्रेवल एंड टेस्ट बलोचिस्तान। आज मैं निकला हुआ हूं अपने दोस्त शेरजान के साथ फिर से एक अच्छी सी राइड पे बलोचिस्तान की इन खूबसूरत वादियों और पहाड़ों के पुरपेच रास्तों से होते हुए पहुंचेंगे अपनी डेस्टिनेशन पे। देखते हैं, चूँकि बलूचिस्तान का ये एरिया काफ़ी बड़ा है तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कौन से इलाके में, कौन से एरिया में पहुँच के हम छोटी सी एक पिकनिक मनाएंगे और वहाँ पे साथ में एक नई डिश आपसे मुतारिफ करवाऊँगा तो वो भी बनाएंगे। तो चलिए हमारे साथ रहिएगा और देखते रहिए ये खूबसूरत नज़ारे बोलान की वादी के और ये खूबसूरत रास्ते। सफ़र के दौरान चलते हुए एक छोटा सा ब्रेक लिया है चाय का और मैंने और शेरजान पे यहाँ बैठे हुए हैं। ये है दुआ होटल। आबेगुम के रास्ते में जाते हुए जब बोलार में आप ट्रैवल कर रहे हो तो ये दुआ होटल आता है। पिछली दफ़ा जब आए थे पिछले हफ्ते तो यहाँ पे रुके थे तो बड़ी ज़बरदस्त चाय मिली थी। तो अभी हम चाय से इंजॉय कर रहे हैं और फिर इसके बाद चाय पीने के बाद अपने सफ़र को जारी रखेंगे और आगे चलेंगे और इंशाल्लाह एक बहुत ही अच्छे खूबसूरत से जगह पे स्टॉप करेंगे और वहाँ पे आप लोगों के साथ मज़ीद बातें होंगी। पहुँच गए हैं बिलाखिर अपनी डेस्टिनेशन पे और ये है एरिया गोकुर्द का। आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत मंज़र है, चारों तरफ पहाड़ और इस पहाड़ के दामन में एक छोटी सी वादी और इस छोटी सी वादी में अगर आप चारों तरफ देख सकते हैं क्या खूबसूरत ज़बरदस्त पानी बहता हुआ दरियाए बोलान का पानी जो कि यहाँ से बहता हुआ आगे नाड़ी गाज से होता हुआ सिंध की तरफ चला जाता है और डाडर को सैराब करते हुए बहुत ही खूबसूरत मंज़र है। आप देख सकते हैं चारों तरफ अगर मैं आपको दिखाऊं तो बहुत खूबसूरत और खजूर के कुछ बागात भी आपको नज़र आ रहे होंगे। इसके अलावा ग्रीनरी भी है, सब्ज़ा भी है और ये आप देख सकते हैं चारों तरफ के साथ साथ अगर मैं आपको दिखाऊं कि ये पहाड़ कितने खूबसूरत हैं, बड़ी ऊँचाई पर बने हुए हैं। और अगर आप देखें ये हमारी गाड़ी खड़ी हुई है, ये जी ये साथी है और गाड़ी हमारी और ये देखे काफ़ी लोगों का रश है चूँकि आज सैटरडे है, छुट्टी का दिन है तो लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ, ये देख सकते हैं सामने कुछ फैमिलीज़ भी नज़र आ रही हैं तो कुछ लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ दोस्तों के साथ यहाँ पे पिकनिक मनाने के लिए आए हुए हैं। बहुत खूबसूरत व्यू है तो चलते हैं अभी हम अपने लिए एक छोटा सा जगह ढूँढते हैं बैठने की, वहाँ बैठते हैं और आज के लिए अपने डिनर कम लंच यानी कि क्योंकि अभी लंच का टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो गया, 3:30 बज चुके हैं तो हम बनाते हैं और फिर क्या बनाना है वह भी मैं आपको दिखाता हूँ, साथ रहिएगा। हाँ तो व्यूअर्स ये खूबसूरत नज़ारे आप देख रहे हैं, यहाँ पे इस पानी में मछली भी पाई जाती है और इसका नाम है कंबरी मछली। देखें ये दो भाइयों ने इनको ये अभी जाल लगाया और पकड़ के लाए तो मुझे नज़र आया तो मैंने कहा इनकी भी छोटी सी वीडियो बना लेते हैं और अपने व्लॉग में इसको भी शामिल कर लेते हैं। कुंडी से हाँ अच्छा कुंडी से पकड़ा ये इन्होंने, बहुत ज़बरदस्त। और देखिए ये देखे ये ज़िंदा है अभी तक मछली और क्या खूबसूरत कलर है इसका, बड़ा ज़बरदस्त और इसी तरह मेरा ख्याल है खाने में भी बड़ा टेस्टी होगा। तो अभी आप इसको पकाएंगे या घर लेके जाएंगे? घर लेके जाएंगे। अच्छा ज़बरदस्त जी, चले आपको वीडियो के अभी मनाजे देखते हैं। आज हम भी फिश लेके आए हैं तो अभी वो बनाते हैं, थोड़ी देर में इंशाल्लाह आप लोगों को दिखाएंगे कैसे बनाएंगे हम। हाँ व्यूअर्स, अभी हमने आग जला ली है और अब हम जा रहे हैं अपना खाना बनाने की तरफ और
बहुत जल्द इंशाल्लाह हमारी ये जो फिश है वो बारबेक्यू की शक्ल में हमारे सामने होगी और इसी पर हम खाएंगे और मज़े से इंजॉय करेंगे और आप लोगों को भी दिखाएंगे कैसे इंजॉय किया जाता है। तो चलिए देखते हैं, अभी आग जलाने के लिए हमने कोशिश की है लेकिन थोड़ी देर में अभी आग जल जाएगी। कोयले दहक रहे हैं, इनमें आग लगा दी हमने, चलें आपको दिखाते हैं। ये जी देखें हमारे कोयले दहक रहे हैं और हमने अभी ये अंदर से आपको नज़र आ रही है आग जल रही है। थोड़ी देर बाद जब ये बिल्कुल ही कम्प्लीटली जल जाएंगे, तैयार हो जाएंगे, इसके बाद हम इसके ऊपर रखेंगे फ़िश। फ़िश के लिए जी हमने एक ये हमारे पास ग्रिल है, आप देख सकते हैं ये ग्रिल है हमारे पास, इसमें हम फ़िश लगाएंगे और इसके बाद मसाला मैं घर से लगा के लाया हुआ था तो हम इसको बनाएंगे। और इसके साथ आप ये देख सकते हैं व्यूअर्स कि ये हमारा छोटा सा सेटअप इस वक्त जो हमने बनाया हुआ है अपना यहाँ पे, और शेरजान साहब आग को मज़ीद जलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये अपना DSLR लगा हुआ है और साथ में ये हमारी डिस्पोजल कुर्सियाँ, टेबल और बाकी सामान। और ये व्यू आप चेक कर लें कि कितना खूबसूरत व्यू है, और इस वक्त शाम होने वाली है और शाम के इस वक्त जो सूरज जब पहाड़ों के पीछे छुप रहा होता है तो जो सामने वाले पहाड़ हैं इनका व्यू बड़ा ही खूबसूरत होता है। अगर ये सामने वाली छोटी पहाड़ी आप देख रहे हैं तो इस पहाड़ी के मतलब ये है कि इसके नीचे जो झील व पानी है ये बहुत ही गहरा है और यहाँ पे तकरीबन नहाने की मुमानियत है क्योंकि काफ़ी हादसा यहाँ पे हो चुके हैं, इस वजह से इस तरफ पानी में जाना ख़तरे से खाली नहीं होगा। तो हम वैसे भी पानी में नहीं जाएंगे क्योंकि अभी मौसम जो है थोड़ा सा ठंडा है, तो क्वेटा पहुंच के देखते हैं फिर घर पे ही नहा लेंगे। अलबत्ता यहाँ पे ये व्यू आप चेक कर सकते हैं कि ये सामने आपको नज़र आ रहे हैं बड़े खूबसूरत से बागात हैं और एक गाड़ी उस तरफ है, ये प्राडो टाइप की है, और इस तरफ ये हमारी अपनी गाड़ी खड़ी हुई है। तो चलिए चलते हैं और फिश बारबेक्यू को दोबारा से स्टार्ट करते हैं और बनाते हैं। हाँ तो व्यूअर्स अभी हम ये हमारी ग्रिल है और मैं निकालने जा रहा हूँ अपनी फ़िश, और ये रही हमारी फिश जिसके मसाले हम वहीं से लगा के लाए हुए थे। ओए होए ये क्या हो गया, हमारी रोटियाँ इसमें क्यों आ गई। तो इसको अभी मैं लगाता हूँ ग्रिल पे, सेट कर लेता हूँ और इसके बाद इसको बारबेक्यू के लिए आगे ले जाएंगे। ये जी ये वाह जी वाह, चूँकि हम दो बंदे हैं तो हम दो बंदों के लिए एक काफ़ी है। और ये जी इसको हमने ये जी आप देख सकते हैं इस वक्त ये बिल्कुल सेट हो गई है और इसको अभी हमने सिर्फ़ और सिर्फ आग पे रखना है, लेकिन फ़िलहाल मैं इसको आग पे नहीं रखूँगा, फ़िलहाल मैं इसको यहीं पे कहीं पे टेक लगा के रखवा दूँगा। ये यहाँ पे ये देखें क्लोज़अप मिलेगी। तो चलिए अभी जैसे ही बस कोयले तैयार होते हैं तो फिर इसको कोयले पर रख देंगे, और ज़्यादा इस पर काम नहीं करना है, कोयलों पर रखना है और इसके बाद ख़ुद ब खुद तैयार हो जाएगी। तो मिलते हैं आपसे खाने के टाइम पर। ठीक है, हाँ व्यूअर्स जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारा फ़िश बारबेक्यू तैयार हो गया है और ये देखिए ज़बरदस्त बेहतरीन, ये हमने इसमें ऊपर थोड़े से वो टमाटर वगैरह रख लिए थे, अब हम इसे उलट देते हैं अपने इस ये जी आप देख सकते हैं बेहतरीन ज़बरदस्त फ़िश बारबेक्यू तैयार है और अभी हम इसे खाने वाले हैं। ये ज़बरदस्त बेहतरीन किस्म का ये देख सकते हैं आप फ़िश बारबेक्यू हमारा तैयार हो चुका है और इसे अभी हम खा के आपको यार बहुत ज़बरदस्त टेस्ट है, साथ में अगर इस तरह सलाद मिल जाए तो बहुत ही ज़बरदस्त मज़ा आने वाला है, मज़ा आ रहा है। ये देख सकते हैं आप जी फिश बारबेक्यू और वाह मज़ा आ गया जी, बेहतरीन ज़बरदस्त। उम्मीद करता हूँ आपको ये छोटा सा व्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और देखना ना भूलिएगा ट्रेवल एंड टेस्ट बलोचिस्तान अली बलोच के साथ। मिलते हैं आपसे अगले किसी व्लॉग में इसी तरह इसी जगह की इसी तरह की किसी खूबसूरत सी जगह पे लोकेशन पे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।